जवान मूवी का प्रीव्यू आ गया है और इसका सिर्फ नाम इन्होंने फैंसी रखा है। ऑब्वियसली ये भी एक मार्केटिंग गिमिक है, लेकिन है ये असल में टीजर या ट्रेलर ही, और मैं इसको इस वीडियो में मोस्टली टीजर या ट्रेलर कह के ही संबोधित करूंगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो इसके ऊपर मेरा फर्स्ट रिएक्शन तो तुम लोगों ने सुबह देख ही लिया होगा, अगर तुमने प्रेम अनसेंसर्ड को भी सब्सक्राइब करके रखा होगा तो, क्योंकि रिएक्शंस और शॉर्ट वीडियोस वहीं पे आते हैं। यहां तो फुल फ्लेज्ड ब्रेकडाउन होते हैं और डिस्कशन होता है और होता है फ्रेम बाय फ्रेम डाइसेक्शन। इस प्रीव्यू वीडियो को देखने के बाद भी मैंने वही किया, अपने खतरनाक से दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कर डाला इसका फ्रेम बाय फ्रेम डाइसेक्शन। एंड गेस व्हाट, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इस पूरी वीडियो में इतनी फुटेज दिखा दी लेकिन हमें मूवी की कहानी ही समझ नहीं आई, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम दुनिया के सबसे स्मार्ट लोगों की गिनती में शामिल हो जाओगे, तुम्हें इसकी पूरी कहानी समझ आ जाएगी। तो इस मूवी की स्टोरी जो ऑफिशियली बताई गई है वो कुछ इस प्रकार है। ये कहानी एक मिस्टीरियस बंदे की है जो अपना एक गैंग लेके निकल पड़ा है जो सोसाइटी और सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है, और उस इंसान का अपना एक पर्सनल वेंडेटा, एक रिवेंज भी है जिसे पूरा करने का वचन उसने सालों पहले बचपन में अपनी मरती हुई माँ को दिया था, जो कि हमें इस प्रीव्यू के डायलॉग में भी सुनने को मिला। यानी कि ये मूवी एक काइंड ऑफ विजिलेंटी मूवी होने वाली है, एक एंटी हीरो टाइप, मतलब मूवी में जो हीरो है वही इसका काइंड ऑफ विलन भी है, यानी कि एसआरके। अब हाँ, ऐसा नहीं है कि मूवी में कोई और एसआरके के खिलाफ विलेन या एंटागोनिस्ट नहीं होगा, वो भी है, लेकिन वो सब हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा। आइए इसका पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। हाँ, एक बात बता दूं, इस वीडियो में मैं एसआरके के कैरेक्टर को जवान कह के ही बुलाऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि कौन से एसआरके को जवान कहेंगे तो वो भी वीडियो में पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें एक बड़ा राज खुलने वाला है। और हाँ, एक लास्ट चीज, इस प्रीव्यू वीडियो को हम मूवी की पॉसिबल स्टोरी लाइन के हिसाब से फ्रेम्स को एडजस्ट करके उनको डाइसेक्ट करेंगे, ना कि ट्रेलर में दिखाए गए ऑर्डर के हिसाब से। तो सबसे पहले शॉट में हमें एक पहाड़ी विलेज देखने को मिलता है और मूवी की कहानी भी यहीं से शुरू होती है, जहां पे वहां के लोग कोई एनुअल फेस्टिवल मना रहे हैं जिसमें वो अपने ग्राम देवता यानी कि लोकल डेटी की पूजा करते हैं, जैसा हमने कांतारा मूवी में देखा था ना, भूताकोला वाला फेस्टिवल, कुछ कुछ वैसा ही। बस यहां पे पंजुर्ली देव की तरह ये देव किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते। इस फेस्टिवल में पूजा वगैरह होती है एंड डांस वगैरह होता है नॉर्मली। अगर इन देवता के स्टैचू को ध्यान से देखा जाए तो ये शिव जी का ही कोई प्रतिरूप लग रहे हैं, इनके माथे पे भी त्रिनेत्र साफ दिखाई दे रहा है, और इनके इस गांव की एंट्री के गेट को अगर ध्यान से देखो तो ये भी महादेव के वाहन नंदी जी को सिंबलाइज कर रहा है। तो अगर तुम इस फेस्टिवल को या इन ग्राम देवता को पहचानते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। खैर, ये फेस्टिवल चल ही रहा होता है कि अचानक से यहाँ पे अटैक हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये आज की टाइमलाइन के सीन नहीं है, बल्कि ये कोई पास्ट का सीन है, क्योंकि यहाँ इस बाइक की नंबर प्लेट पे जो नंबर है वो आज का तो बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे एक बंदे को हम घोड़े पे भी सवार देख सकते हैं, और ये अटैक करने वाले लोग भी उस टाइम की किसी करप्ट लोकल पुलिस का पार्ट है शायद, जो गांव वालों पे अटैक कर रहे हैं कि तभी उनको बचाने के लिए आ पहुंचता है इनका अपना देसी मून नाइट। हाँ, ये हाथ ममीफाइड एसआरके का ही है, जिसको हम बाद में सीन में भी नोटिस कर सकते हैं, और यहाँ पे वो इन्हीं गांव वालों को बचा रहा है। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भले ही लोग एसआरके के इस लुक को मून नाइट से कंपेयर कर रहे हो, लेकिन अगर तुमने रोरोनी केंसिन नाम का एनिमे देखा होगा तो उसके वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन शिशियो मकोटो को देख के तुम्हें एसआरके का ये लुक वहीं से इंस्पायर लगेगा। खैर, जो भी हो, लेकिन मुझे ये लुक काफी पसंद आया। ये एक तरह से इन गांव वालों का अपना खुद का विजिलेंटी है शायद, और अपना मॉडर्न वाले एसआरके का बाप भी। तो इस बंदे को शायद एक टाइम पे ये पुलिस वाले या फिर ये जिसके लिए काम करते हैं वो लोग मार डालते हैं, लेकिन वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से एक वादा लेता है और उसकी वाइफ को जेल भेज दिया जाता है। रीजन कुछ भी हो सकता है, और जेल में ही जवान का जन्म होता है। इस शॉट में हम चारों तरफ महिला कैदियों को देख सकते हैं। फिर ये अपनी मरती हुई माँ को भी एक वचन देता है जो शायद इसके बाप ने इसकी माँ से लिया था, शायद अपने बाप की मौत का बदला लेने का या फिर इस सोसाइटी और सिस्टम को सही करने का, और उसी के लिए ये बड़ा होकर रेबैन का चश्मा लगा के आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। ट्रेलर में हम एक सीन देखते हैं जहां पे स्पेशल फोर्स के कुछ बलिदानी वीरों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिसमें उनकी विधवाएं भी शामिल हैं। इन सैनिकों के शोल्डर पे स्पेशल फोर्स इजीली नोटिस किया जा सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि जवान आईपीएस बनने के बाद फिर इसी स्पेशल फोर्स को ज्वाइन करता हो, लेकिन एक टाइम पे उसको समझ आ जाएगा कि सिस्टम में फैली गंदगी को साफ करना है तो खुद को भी गंदा होना पड़ेगा। मतलब वही टिपिकल एंटी हीरो वाला पॉइंट ऑफ व्यू, और ये बन जाता है एक विजिलेंटी, एक विलन, मे बी ओनली फॉर गवर्नमेंट या फिर किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए, और इस काम में इसकी हेल्प करता है एक फीमेल गैंग। और इस पूरी मूवी में ही हमें तगड़ी फीमेल एम्पावरमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये महिला जेल में पैदा हुआ है तो इसके लिए वहाँ की महिलाएं ही सब कुछ हैं, और शायद अपनी तरह वहाँ पे पैदा हुई फीमेल्स को साथ लेके ये अपनी एक फीमेल आर्मी फॉर्म करता है, और शायद सिस्टम से बदला लेने के इरादे से ही ये इस मेट्रो को हाईजैक भी करता है, जिसमें इसकी फीमेल आर्मी इसकी हेल्प करती है। ये लड़कियाँ अपने मकसद के लिए किसी की जान ले भी सकती हैं और खुद की जान दे भी सकती हैं। इस लड़की ने अपनी ही बॉडी पर टाइम बॉम्ब पहना हुआ
हुआ है जिसमें 3 मिनट का टाइमर सेट है और इस मूवी के फीमेल ओरिएंटेड एंगल को सिंबलाइज कर रहा है स्टेशन पे लगा ये नारी शक्ति का बोर्ड। वहां पे इनको पकड़ने के लिए एनएसजी आती है और एनएसजी में ही एक बड़ी पोस्ट पे है नयनतारा भी, वो भी साथ आती है। तो एनएसजी वालों को कंफ्यूज करने और भीड़ में मर्ज हो जाने के लिए जवान और उसकी गर्ल्स इन सभी पैसेंजर्स के चेहरे पे वैसी ही बैंडेज पहना देती हैं जैसी हमने बाल्ड एसआरपी के फेस पे देखी। लेकिन यहाँ हमारे साथ एक धोखा हुआ है, ये कैरेक्टर एक्चुअल में बाल्ड नहीं है बल्कि इसने बाल्ड कैप पहन के मेकअप किया हुआ है, क्योंकि इस शॉट में साफ देखा जा सकता है कि ये एक बहुत अच्छा बाल्ड मेकअप किया हुआ है, ना कि ये कैरेक्टर एक्चुअल में बाल्ड है। और इस मूवी का वीएफएक्स रेड चिलीज ने किया है जिसका कैरेक्टर डिजाइनिंग पोटेंशियल हम फैन और जियो मूवीज में देख चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अगर यहाँ पे इस कैरेक्टर को एक्चुअल में बाल्ड दिखाना होता या ये कैरेक्टर एक्चुअल में बाल्ड होता तो बहुत ईजिली दिखाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे डेलिबरेटली दिखाया गया है कि जवान ने ही ये बाल्ड बूढ़े का लुक लिया है एनएसजी और बाकी दुनिया को कंफ्यूज करने के लिए। और इसके साइड में ये जो टैटू बना है ये भी एक पर्पस से बनाया गया है जो कि हमें मूवी में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे शायद माँ जैसा कुछ लिखा है, बाकी मुझे तो 4K में देखने के बाद भी पता नहीं चला कि एक्चुअल में यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, किसी को पता चले तो कमेंट में जरूर बता देना। और ये इसका एक्चुअल लुक नहीं है, इसका प्रूफ तुम्हें वीडियो में आगे मिल जाएगा। और यही नहीं, इस पूरे ट्रेलर में हमने एसआरके के जितने भी लुक्स देखे वो सब जवान खुद ही क्रिएट करता है, मतलब वो अलग अलग लुक लेके अपने अलग अलग कामों को अंजाम देता है ताकि उसका असली चेहरा दुनिया के सामने ना आ सके, क्योंकि दुनिया के लिए वो एक आईपीएस ऑफिसर भी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे धूम 2 में अपने काम को अंजाम देने के लिए ऋतिक रोशन डिफरेंट कैरेक्टर्स के गेटअप बदलता था। खैर इस शॉट में हम मेट्रो स्टेशन पे एनएसजी के आने के बाद लोगों को बैंडेज मेकअप में भागते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे अफरा तफरी मची हुई है और साइड में खड़े एनएसजी कमांडोज ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि असली अपराधी है कौन। तो वही ये कबूतर मेटाफोरिकली यहाँ पे ये बता रहा है कि असली अपराधी तो इनके हाथों से फुर हो चुका है। फिर एक शॉट में हम एनएसजी कमांडोज को और इस हेलीकॉप्टर को एक पुरानी इमारत पे अटैक करते हुए देख सकते हैं। और इस इमारत को ध्यान से देख लेना, ये आगे काम आएगी। यहाँ आंगन में बीचों बीच एक स्टेचू है और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर टाइप का भी बना हुआ है। वैसे इस शॉट में रेड चिलीज के वीएफएक्स की तारीफ करनी पड़ेगी, हेलीकॉप्टर सामने से गुजरने के बाद हवा में रिपल इफेक्ट तक साफ महसूस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट शॉट में हम जवान को गवर्नमेंट के किसी काफिले पे नजर रखते हुए देख सकते हैं जिसमें 5 ट्रेलर्स और 9 गाड़ियां हैं और इनके अंदर हम मैन इन ब्लैक्स को साफ नोटिस कर सकते हैं। फिर जवान और उसकी कन्याएं इस काफिले पे हमला कर देती हैं जहां पे हमें एनएसजी उनको रोकते हुए दिखाई देती है। लेकिन एक मिनट, यहां पे ग्रीन एरो और हॉकाई क्या कर रहे हैं? मजाक था भाई, मजाक। नेक्स्ट एक शॉट में हम उसी बिल्डिंग में ब्लास्ट होते हुए देखते हैं जहां पे हेलीकॉप्टर आया था। सेम स्टैचू, सेम मंदिर, ये है वो जेल जहां जवान पैदा हुआ था। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि एनएसजी यहां पे क्यों अटैक कर रही है? तो वो इसलिए क्योंकि यही जवान का पूरा बेस ऑफ ऑपरेशन है। और इसी जेल के अंदर हम एनएसजी को घुसते हुए देख सकते हैं। पहले जमाने में इन महिला कैदियों की कॉस्ट्यूम व्हाइट साड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब इनकी कॉस्ट्यूम है ये वाली, जिसे हम इस सॉन्ग में भी नोटिस कर सकते हैं जो कि जवान के साथ इस जेल की महिला कैदियों के रिलेशन को भी दर्शाता है। इस शॉट में हम नयनतारा को किसी सॉन्ग के दौरान देख सकते हैं और नेक्स्ट शॉट में उनके कैरेक्टर के एक्चुअल लुक में जहां पे वो नीली बत्तीधारी एनएसजी की एक बड़ी अधिकारी है। नेक्स्ट शॉट में हम विजय सेतुपति के कैरेक्टर को भी देख सकते हैं जो कि आई थिंक एक करप्ट पुलिस वाला है। ये लोकेशन किसी पुराने जमाने के पुलिस स्टेशन टाइप की दिख रही है, वो भी किसी रिमोट एरिया की। एक शॉट में दीपिका भी दिखाई देती है पंजाब में बारिश में कुश्ती लड़ते हुए, क्योंकि पीछे पंजाबी के बोर्ड लगे हुए हैं, इवन गोलगप्पे वाला भी है यहाँ, अनदर फीमेल सुपरमेसी। इस ट्रेलर में हमें साने मल्होत्रा का कैरेक्टर भी दिखाई देता है जहां पे ये लोग शायद किसी को टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पीछे महिलाएं डंडा लिए भी सेवा कर रही हैं किसी की। और हाँ, ट्रेलर के लास्ट में हमें जो ये बाल्ड वाला लुक दिखाई दे रहा है ये असली नहीं है। इसके पीछे का जो रीजन मैंने बोला था, मतलब जो दूसरा रीजन मैं बोलने वाला था, वो कुछ इस प्रकार है। इसके हाथ में जो वॉकी टॉकी दिख रहा है वो सेम डिवाइस हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। और ध्यान से देखो तो शॉट ब्लर होने के बाद भी इतना तो समझ आ जाता है कि यहाँ पे एसआरके बाल्ड नहीं है। हाँ, उसकी हल्की दाढ़ी जरूर है और यही सेम लुक हम इस ब्लर सीन में भी देख सकते हैं जवान एसआरके हल्की दाढ़ी के साथ। यही है इसका असली लुक जिसको हर जगह से ब्लर कर दिया गया है। यानी मतलब साफ है कि मेट्रो हाईजैक करने के लिए ही जवान ने वो बाल्ड बूढ़े का गेटअप लिया। इवन इसके अलावा हमें जितने भी लुक ट्रेलर में दिखे, चाहे वो ये सिगार पीते हुए मूंछों वाला लुक हो जो कि कुछ टाइम पहले लीक भी हुआ था, या फिर ये अपरिचित वाला लुक, ये सब के सब गेटअप जवान इसलिए लेगा ताकि वो गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंक सके, लेकिन एक टाइम पे नयनतारा उसे पहचान लेगी। खैर तो ये था जवान मूवी के प्रीव्यू का शॉर्ट बाय शॉर्ट ब्रेकडाउन और पॉसिबल स्टोरी लाइन। आई एम श्योर कि अभी काफी कुछ बचा हुआ है जिसको हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे और भी पार्ट आएंगे इस वीडियो के, सब माल एक ही वीडियो में थोड़े समझ आ जाएगा। तो तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नयनतारा।